वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मयूरी और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अपना चैनल का नाम चेंज किया है फ्रॉम मयूरीज मेकअप आर्टिस्ट्री टू फैशन ब्यूटी एंड मोर। इसका एक रीजन है कि मैंने सोचा कि मैं तो सिर्फ मेकअप के ऊपर ही वीडियो नहीं डालने वाली हूँ, बल्कि मैं मेकअप, ब्यूटी, फैशन इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ आगे भी, तो इसलिए मैंने नेम चेंज किया। आज का जो टॉपिक है वो है नो मेकअप मेकअप लुक। मुझे अपने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग पूछते रहते हैं कि मयूरी गर्मियों में बाहर जाते हैं पर मेकअप तो निकल ही जाता है और बहुत स्वेट आता है, तो हम क्या करें। तो उसके लिए मैंने ये लुक आज क्रिएट किया है उन लोगों को हेल्प करने के लिए कि इस गर्मी में आप कैसे मेकअप करके बाहर जा सकते हैं। जो मेकअप होने वाला है वो होगा बहुत ही सिंपल एंड क्विक एक मेकअप, जो कि आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो बहुत प्यारा होगा। जैसे आप देख सकते हो मैंने ये वाला लुक, आपको ये पसंद आएगा। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। गर्मियों में बहुत स्वेट होता है जिसकी वजह से मेकअप चला जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम बर्फ लेंगे, आइस क्यूब लेंगे और उसको एक कपड़े में लेंगे और उसको फिर फेस पे रब करेंगे। ध्यान रहे कि कभी भी बर्फ को डायरेक्ट स्किन में नहीं अप्लाई करना है, हमेशा कुछ ऐसा कपड़े में डाल के फिर इसको लगाना है। ऐसे ऐसे करके हम लगाएंगे, उसको घिसेंगे नहीं, वो हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है, इसलिए हम बस ऐसे डैब करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा स्वेट का जो पोर्स होता है ना वो सारा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेट बहुत कम आता है। लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ी देर सूखने देंगे और जितना भी एक्सेस वाटर रह जाएगा उसको हम ऐसे कॉटन पैड से या फिर टिश्यू पेपर से सोक कर लेंगे। वाटर सूख जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टोनर यूज करेंगे। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रीन टी ग्लो टोनर। इसको हम स्प्रे करेंगे, फिर इसको भी हम सूखने देंगे। टोनर क्या करेगा कि वो आपको आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा पूरा दिन, तो जिससे आपका स्किन ब्रीथ भी कर सकेगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो इसके बाद हम यूज करेंगे एक सनस्क्रीन। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लोटस सेफ सनस्क्रीन मैट लुक डेली सनब्लॉक SPF 40, ये वाला। मेरा जैसे ऑयली स्किन है तो इसलिए मैं मैट सनस्क्रीन यूज करती हूँ। इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है, रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, मिडिल में है। ये आपको थोड़ा सा मेकअप वाला भी फिनिश दे देता है, तो इसको मैं फेस पे लगा लूँगी। सनस्क्रीन के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक प्राइमर यूज करेंगे, आप चाहे ये स्किप भी कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे, मेरे पास दो प्राइमर है, एक है कलर बार का ये वाला प्राइमर और एक है लॉरियल बेस मशीन। तो मैं आज कलर बार वाला यूज करने वाली हूँ। आने के बाद मैं अपना आईब्रो कर लूंगी। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे है दो आईब्रो किट, एक है म्यूजिक फ्लावर का जेल आईब्रो किट और एक है पैक का पाउडर आईब्रो किट। तो आज मैं यहाँ पे मिस म्यूजिक फ्लावर का ये वाला यूज करूंगी। कर लिया है, इसके बाद मैं स्पूली लूंगी और इसको ब्रश करूंगी ताकि पूरा जो प्रोडक्ट है वो मेरे आईब्रो में स्प्रेड हो जाए। हो चुका है। इसके बाद मैं यूज करूंगी एक फाउंडेशन, आप चाहे तो बीबी क्रीम या सीसी क्रीम भी यूज कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबलिन का मैट पोरलेस फाउंडेशन। इसका शेड है 230 नेचुरल बफ। आप ये मेकअप कॉलेज में या फिर ऑफिस में या फिर कोई छोटा मोटा ऑफिस पार्टी
या फिर कॉलेज पार्टी ऐसे टाइप का जगह में आप करके जा सकते हैं। आप हमेशा अपने फेस के साथ साथ अपने गले में भी फाउंडेशन लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप गले में नहीं लगाओगे तो आपका फेस और गले का कलर चेंज लगेगा, डिफरेंट लगेगा, जो कि बहुत खराब लगता है दिखने में। तो हमेशा फेस के साथ अपने गले का भी फाउंडेशन लगाएं। फाउंडेशन के बाद मैं यहाँ पे यूज करूँगी कॉम्पैक्ट, जो कि है मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगी एक ब्लश, क्योंकि अगर आपका फेस पूरा फ्लैट रहेगा तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा कलर डालने के लिए मैं यहाँ पे ब्लश यूज करूंगी। और आज मैं जो ब्लश यूज करने वाली हूँ वो है मेबलिन न्यूयॉर्क मास्टर ब्लश, ये वाला, जिसमें कि 3 ब्लश मिलता है और एक हाईलाइटर मिलता है। तो मैं ये यूज करने वाली हूँ, ये वाला जो शेड जो खत्म हो चुका है, मैं ये बहुत यूज करती हूँ तो यही वाला मैं यूज करूंगी। अप्लाई करने के बाद मैं अपना मस्कारा लगा लूंगी अपने आईलैश में। तो सबसे पहले मैं उसको कर्ल कर लूंगी ऐसे कर्लर के मदद से। करने के बाद मैं मस्कारा यूज करूंगी। आज जो मैं यूज कर रही हूँ वो है मेबलिन न्यूयॉर्क द हाइपर कर्ल वॉल्यूम मस्कारा, ये वाला। आफ्टर माय आईलैशेस, मतलब आफ्टर माय मस्कारा, आई एम गोना यूज अ सेटिंग स्प्रे टू सेट माय फुल फेस एंड मेकअप। आज मैं जो सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ वो है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे, जो ऐसा है दिखने में। स्प्रे करने के बाद उसको हम थोड़ा ऐसे रहने देंगे ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए फेस में। उसके बाद मैं यूज करूंगी हाइलाइटर, जो कि मैं वही ब्लश पैलेट से जो हाइलाइटर था ये वाला, यही यूज करने वाली हूँ। आज जो लिपस्टिक मैं लगाऊंगी वो पिंक में से कुछ होगा। तो मेरे पास पिंक में 2 लिपस्टिक्स है, एक है लैक्मे एब्सोल्यूट लिप पाउट मैट इन द शेड पिंक फैंटेसी, और एक है फेसेस का फेसेस कनाडा मैट लिप क्रेयॉन इसका शेड मुझे अभी नहीं मिल रहा है। अगर मुझे मिल जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नाम दे दूंगी। तो आज मैं शायद ये वाला यूज करने वाली हूँ, जो कि फेसेस का है, ऐसा है। तो ये जो लिपस्टिक है ये बहुत एक प्यारा सा कलर है, बहुत एक ब्राइट एक पिंक है, जो कि आपके फेस को और भी ज्यादा हाईलाइट करता है। तो मेरा लिपस्टिक भी लगाना हो गया है। तो ये था मेरा फाइनल लुक गाइस, आप लोग देख के बताना कि कैसा लगा।
गाइस ये था मेरा फाइनल लुक। और एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगी कि गर्मियों में हमेशा अपने साथ, जब भी आप बाहर निकले, हमेशा अपने साथ एक ब्लॉटिंग पेपर रखें। मेरे पास जो है ये बेसिक केयर फेशियल ऑयल ब्लॉटिंग पेपर ग्रीन टी, ये वाला है। आप लोग कोई भी ब्लॉटिंग पेपर यूज कर सकते हो। आपका होता है ना कि मेकअप बहुत देर के बाद यहाँ से ऑयल निकलने लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, ब्लॉटिंग पेपर निकाल के, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ऐसा होता है, तो ब्लॉटिंग पेपर निकाल के आप क्या कर सकते हो, ऐसे फेस पे जहाँ पे ऑयल निकला है वहां पे आप अगर इसको ऐसे लगाओगे, प्रेस करोगे, तो आपका जो एक्सेस ऑयल है वो आ जाएगा और आपका फेस फिर से मैट लगने लगेगा। तो हमेशा एक ब्लॉटिंग पेपर का पैकेट अपने साथ रखें और क्लींजिंग वाइप भी रखें, जो कि आप बाहर निकलते हो तो आपके फेस में डर्ट आ जाता है, बहुत इचिंग होती है या फिर कुछ ऐसा, तो आप क्या कर सकते हो, क्लींजिंग जो वाइप होता है उसके मदद से आप फेस को फिर से क्लीन कर सकते हो, जैसे आपका फेस पहले जैसा हाइड्रेटेड हो जाएगा और फिर ब्रीथ करने लगेगा। तो हमेशा अपने साथ एक ब्लॉटिंग पेपर और एक वाइप का पैकेट हमेशा रखें। सो बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।